हैं आपको बता दें कि इसी बीच एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। पीपीपी को लेकर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, दिक्कतों को देखते हुए एचपीपीए का गठन किया गया है। सरकार ने एक कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किया है, सतीश खोला को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो बता दें कि कोऑर्डिनेटर के जरिए सरकार करेगी मॉनिटरिंग। उस वक्त की अहम खबर, एक कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दिया गया है। तो आपको बता दें सतीश खोला को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। कोऑर्डिनेटर के जरिए सरकार फिलहाल मॉनिटरिंग करेगी। तो चंडीगढ़ से अपडेट है, पीपीपी को लेकर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने एचपीपीए का गठन किया है, एक कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त फिलहाल कर दिया गया है। तो बता दें आपको कि सतीश खोला को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, सोनीपत से खबर, एचडीएफसी बैंक अधिकारी से लूट, चाकू से हमला कर पत्नी के गले से तोड़ी है चेन, करीब 3,000 नकदी लेकर फरार हुए हैं बदमाश। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे, अस्पताल में इलाज को ले जाते वक्त ये लूटपाट की गई है। तो फिलहाल चाकू से हमला कर पत्नी के गले से चेन तोड़ी गई है। बता दें आपको कि करीब 3,000 रुपए की नकदी लेकर बदमाश फरार हो चुके हैं। फिलहाल सूचना पुलिस को दी गई है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है इस मामले में। तो एचडीएफसी बैंक अधिकारी से लूट हो गई है, सोनीपत से खबर है, बदमाशों के हौसले बुलंद है, चाकू से हमला कर पत्नी के गले से चेन तोड़ी है और 3,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए हैं बदमाश। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे, अस्पताल में इलाज को ले जाते वक्त ये लूटपाट की गई है। बता दें आपको कि पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी फुटेज लगातार देखी जा रही है। एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, सोनीपत में आए दिन बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक और मामला सामने आ गया है, एचडीएफसी के अधिकारी से लूट हो गई, करीब 3,000 रुपए की नकदी लेकर और पत्नी के गले की चेन तोड़कर बदमाश फरार हो गए हैं। संवाददाता राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। राम, जिस तरीके से सोनीपत में एक बार फिर से बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, अब एक अधिकारी की पत्नी से लूटपाट करी है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है? देखिए, देर रात का यह मामला है, जीटी रोड पर एचडीएफसी बैंक के अधिकारी और उसकी पत्नी जो है वो एक रेस्टोरेंट के सामने रुके थे और सर्विस रोड पर जैसे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी तो इस दौरान जो है दो बाइक सवार आए और जहां मौके पर जो है चाकू के बल पर 3,000 रुपए और कई वार जो है किए गए हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो दोनों पति पत्नी के गले से सोने की चैन भी छीन कर भाग गए हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने धारा 379 और 392 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी भी चेक कर रही है। फिलहाल आरोपी फरार हैं और वहीं चाकू से उसकी गर्दन और आंख पर कई वार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस जो है मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से लुटेरे जिस प्रकार से लगातार सक्रिय हैं ऐसे में पुलिस भी जो है लगातार कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से अभी लुटेरे बाहर हैं। पुलिस ने दावा किया जल्दी लुटेरों की गिरफ्तारी होगी। जी चलिए ठीक है राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।